नमस्कार दोस्तों, आज हम सिस्टम पे आए हैं। स्मार्टन का सिस्टम लगा हुआ है, सेवर सेवर 1050 एल्युमिनस की बैटरी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रखी है, बिल्कुल बैटरी जो है वो बिल्कुल डीप हो रखी है। बैटरी में खाली जो वोल्ट है वो 2 वोल्ट है, जिसके कारण इन्वर्टर ऑन भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मेन लाइट तो है नहीं, खाली सोलर सोलर है। तो सोलर में प्रॉब्लम आने के बाद में बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बैटरी वोल्ट। जो बैटरी के वोल्ट है वो अभी 3 वोल्ट है, ठीक है। और अभी इन्वर्टर बिल्कुल ऑन ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, जो सोलर की वायर है ना, वो आप इन्वर्टर के पीछे से खोल लो। इन्वर्टर तो चार्ज तो करेगा नहीं, क्योंकि इन्वर्टर की माइक्रो आईसी में लाइट ही नहीं गई 5 वोल्ट, तो इन्वर्टर ऑन ही नहीं होगा। तो इसमें से आपने माइनस वायर खोलनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो माइनस वायर है ना, ये आपने खोलनी सोलर की, प्लस नहीं खोलनी, हरदम माइनस ही खोलनी है। माइनस खोल के आपने बैटरी पे डायरेक्ट लगानी है। हमने डायरेक्ट बैटरी पे लगा दी है सोलर की वायर। तो अभी बैटरी की वोल्टेज बढ़ जाएगी। एक बार मैं इन्वर्टर का माइनस का तार भी हटा देता हूँ एक बार। जो सोलर के एम्पियर चल रहे हैं वो आ रखे हैं 12 एम्पियर, डीसी के 12 एम्पियर आ रखे हैं सोलर के। हमारी बैटरी अभी 12 एम्पियर से डायरेक्ट चार्ज होने लग रही है अभी। अभी हम एम्पियर चेक करेंगे, 20 मिनट हो गए लगे हुए ने। सोलर डायरेक्ट लगा दिया हमने। सोलर के एम्पियर 6 रखे हैं अभी, तो 6 एम्पियर से डायरेक्ट चार्ज हो रही है बैटरी। और अभी बैटरी के वोल्ट और चेक कर लेते हैं। जो बैटरी वोल्ट अभी 13 वोल्ट है, पहले 3 वोल्ट थे, तो डायरेक्ट चार्ज लगा दी बैटरी तो 13 वोल्ट हो गई। तो अभी हम इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर चालू हो जाएगा हमारा। तो अभी एक बार इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है अभी। ये इन्वर्टर डिस्प्ले बिल्कुल अच्छी तरह ऑन होगी, इसमें लाइट वगैरह सारे फंक्शन ऑन हो चुके हैं इसके। पहले डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रही थी इसमें, अभी डिस्प्ले भी चालू हो गई है। तो अभी मैं इसके सोलर के तार लगा देता हूँ सोलर पीसीयू के थ्रू। पहले डायरेक्ट लगा रखी थी, तो ये बैटरी ज़्यादा तो अभी सोलर के तार लगा लेते हैं सोलर पीसीयू के। जो डायरेक्ट लगाएंगे तो बैटरी ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाएगी आपकी, और बैटरी के फटने के चांस और बैटरी ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अच्छी तरह हमने वायर लगा ली है, नेगेटिव वायर हटाई थी, नेगेटिव वायर वापस नेगेटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दी है। तो जो इसके पीछे के जो स्विच हैं, ये अपने WUPS पे रखना परमानेंट, और ये अपना SMF टूलर पे रखना है, और ये अपना इस पे बैटरी प्योरिटी पे रखना है स्विच। इस तरीके से स्विच सेलेक्ट होंगे। अभी हमारा इन्वर्टर में सोलर पावर को देखेंगे, अभी आएगी डिस्प्ले में।
220 वोल्ट आउटपुट है इसकी। सोलर पावर 6 एम्पीयर आ रखे हैं सोलर के, अभी 12.8 बैटरी वोल्ट बैटरी चार्जिंग। तो हमारा सिस्टम चालू हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह। अंदर थे ये इसका ट्रांसफार्म है, ये इसकी मेन पीसीबी है। एल्युमिनियम ट्रांसफार्म होता है इन्वर्टर का कॉपर मारने के लिए। अब इस टाइम पे आती नहीं है कॉपर में। तो हमारा सेटअप ओके हो चुका है। कई बार आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए तो आप सोलर के डायरेक्ट तार लगा दें, आपको चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उसमें। अभी हम इसके पैक कर देते हैं वापस इन्वर्टर को, इसका कैबिनेट हमने लगा दिया है और अभी स्क्रू लगाएंगे इस पर। लाइट डायरेक्ट लगाई है उधर? हाँ डायरेक्ट लाइट लगाई। ये थोड़ी बोर्ड से क्यों नहीं चलेगा क्या भाई जी? बोर्ड से भैया आपका इन्वर्टर तो बोर्ड तो लगा दिए, सारी वायर कनेक्ट हो गई, इन्वर्टर हमारा चालू हो चुका है।